नमस्ते। आज हम विपस्सना मेडिटेशन के बारे में जानेंगे। विपस्सना मेडिटेशन कैसे काम करता है, साइंटिफिकली उस पर कई पेपर किए गए हैं, रिसर्च किया गया है, और ये निचोड़ ये लाया है कि जब भी हम कोई भी सिचुएशन, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को फेस करते हैं, जैसे कि हम कार चला रहे हो तो बीच में कोई आ गया ऑटो रिक्शा वाला, तब हम हमारी बॉडी और माइंड रिएक्ट करेंगे। वो जो रिएक्शन है उससे बॉडी में और माइंड में काफ़ी बदलाव आता है। जैसे पहली बात इमीडिएटली ये रहता है कि तुरंत ही हमारी हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। दूसरी चीज़ें, यदि ये चालू रहता है तो हॉर्मोन्स, जो स्ट्रेस हॉर्मोन्स होते हैं जैसे कोर्टिसोल, नोरेपिनेफ्रिन, वो बढ़ जाते हैं, जिसकी नेगेटिव इफेक्ट होती है, उसकी इम्यूनिटी पे भी आड असर होती है। और तीसरी चीज़ ये रहती है, यदि ये सब हम रेगुलरली करने लगे तो हमारे ब्रेन नेटवर्क में भी चेंजेस होने लगते हैं और हमारे जीन्स में भी चेंजेस हो सकते हैं। विपस्सना मेडिटेशन हमारा बॉडी, माइंड और थॉट्स को कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक हेल्पफुल रहता है। उसके कारण हम अपने ये जो रिएक्शन होते हैं अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस से, वो हम कम करते हैं, और उसी के कारण हमें जो ये स्ट्रेस हॉर्मोन्स होते हैं उसका रिलीज अटकाते हैं, फिर ब्रेन नेटवर्क में भी फेवरेबल बेनिफिट रहते हैं, और जीन्स में भी कुछ ऐसी अच्छी चीज़ें होती है जिसके कारण हमारे लाइफ में भी लंबी लाइफ जी सकते हैं। वैसे तो मेडिटेशन कई रोगों में, विपस्सना मेडिटेशन कई रोगों में फ़ायदाकारक है, लेकिन मेरी प्रैक्टिस में तो मैंने ये देखा है कि माइग्रेन, जो माइग्रेन के पेशेंट हैं जिन्होंने भी ये विपस्सना मेडिटेशन किए, उसमें से 90% बिना दवाई के अच्छे हैं। और मैं ये आशा रखता हूँ कि जो मुझे बेनिफिट हुए, मेरे पेशेंट्स को बेनिफिट हुए, वो आप सबको मिले, और आप भी जीवन में एक बार ये विपस्सना मेडिटेशन का 10 डेज का कोर्स कीजिए और उसके फ़ायदे उठाइए। नमस्ते।